नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी 1350 करोड़ रुपए से अधिक की अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला और शिलान्यास भी रखने वाले हैं। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT के स्थायी परिसर का भी वो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम को भी संबोधित करने वाले हैं। अब क्या है ये इंडिया एनर्जी वीक 2024, आइए समझते हैं। एनर्जी वीक इंडिया की सबसे बड़ी और एकमात्र एनर्जी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अलग अलग देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है। पीएमओ की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में 6 से 9 फरवरी तक गोवा में भारतीय ऊर्जा सप्ताह यानी इंडियन एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया है। पीएमओ के अनुसार ये देश की ऐसी एकमात्र एनर्जी एग्जीबिशन होगी जो पूरी एनर्जी वैल्यू चेन को एक मंच प्रदान करेगी और भारत के एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स के लिए कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगी। इस कार्यक्रम में 900 से अधिक एग्जीबिशनिस्ट शामिल होंगे। इसमें 6 देशों कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका के पवेलियन शामिल होंगे। बता दें कि इंडियन पवेलियन में उन इनोवेटिव सॉल्यूशंस को एग्जिबिट किया जा रहा है जिसमें इंडियन MSMEs लीड कर रहे हैं। ये कार्यक्रम दक्षिण गोवा के क्विटोल में आयोजित हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।